आज हम सीखेंगे तीन ऐसे नए नए लर्निंग जिससे चेंज होगा आपका लाइफ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दोस्तों। क्योंकि हमें पता तो बहुत कुछ है, लेकिन हम अगर उनको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम अपने लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत लोगों को पता है कि हम लाइफ में रिच कैसे बने, बहुत लोगों को पता है। कुछ लोग अगर आप यूट्यूब खोलोगे तो आपको बहुत वीडियोस मिलेंगे, लेकिन इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कि कैसे। सबको पता है कैसे, लेकिन उस चीज़ को अपने लाइफ में लाना, उस चीज़ को अपने लाइफ में यूज़ करना, इम्प्लीमेंट करना। अगर मैं यहाँ पे आपको एक लर्निंग बोल रहा हूँ, तो उस लर्निंग को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करोगे, तब तक आपके लाइफ में चेंज नहीं आएगा। सो इसीलिए दोस्तों मैं बोलूंगा कि कोई भी शो को देख रहा है, प्लीज सबसे पहले तो आप शेयर करो, इस शो को शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस शो के बारे में जान पाए और इस शो को कभी मिस मत करना। सो दोस्तों आज का शो स्टार्ट करेंगे। आई होप आज का आपके पास आपका नोटबुक एंड पेन रेडी है। सो आज है मंथ 1 डे 5। सो रेडी हो आप लोग? सो जाने से पहले आगे मैं फिर से ये बोलना चाहूँगा कि ये शो में अगर आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ज्वाइन करोगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और हमारे पास रिस्पॉन्स इतना अच्छा आ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। सो वी आर जस्ट एन्जॉइंग द एक्सपीरियंस, एंड फेबररी से ही एक्सपेरिमेंटल ग्रुप मेंबरों का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। मंथली एक ट्रेनिंग है, और उससे बहुत ज़्यादा चेंजेस उनके लाइफ में होने वाला है, और मैं खास कर सबके साथ आपको मिलवाऊंगा और उनका फीडबैक आपको सुनवाऊंगा। और आप देखोगे कि एक शो से भी इंसान का लाइफ कैसे चेंज हो सकता है। तो चलिए दोस्तों हमारे शो में, और प्लीज़ शेयर करना मत भूले, क्योंकि शेयर करोगे तभी तो। जी हाँ, सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का शो का जो सबसे पहला लर्निंग है, ध्यान से सुनिएगा। एनवी इज इग्नोरेंस, एनवी इज इग्नोरेंस। टू एनवी पीपल हु अकम्प्लिश और गेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट इज ट्रूली अनवाइज। कभी कभी क्या होता है, जब हम अपने लाइफ में कुछ लोगों को देखते हैं जो काफी अकम्प्लिश होते हैं, रिच होते हैं, प्रॉस्पैरिटी उनके पास होती है, हैप्पी होते हैं, हमें ना उनसे थोड़ी दुश्मनी हो जाती है, हम थोड़े से जलने लगते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। ऐसा होता है कि आपके साथ लगता है कि ऊपर वाला ने सब कुछ उसी को दे दिया और मुझे छोड़ दिया। क्या आपको ऐसा लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो भाई मैं एक ही चीज बता दूं, एनवी इज इग्नोरेंस। ये जो दुश्मनी या जलन होती है ना, ये आपको रिच बनने के रास्ते में ये आपका सबसे बड़ा रुकावट है, और रुकावट किसी को पसंद नहीं है। हम टीवी में देखते थे ना कभी कभी सीरियल, वो रुकावट के लिए खेद है, वो टीवी रुक जाता था, हमें पसंद नहीं आता था। वही बात है, जब आपके लाइफ में आप किसी को लेके जलेंगे ना, उसके प्रॉस्पैरिटी से, उसके रिचनेस से, उसके हैप्पीनेस से, तो आपकी गाड़ी भी रुक जाएगी वहीं पे। उसकी तो चलती रहेगी, क्योंकि लोग जितना आपको लेके नेगेटिव सोचेंगे उतना आप आगे जाओगे। सुना है ना ये चीज? तो वही बात है, जब आप किसी को लेके नेगेटिव सोचोगे, वो उसकी गाड़ी डबल तेज हो जाएगी, क्योंकि उसके पास आपकी भी शक्ति चली जाएगी। क्योंकि जब आप जलते हो ना, तो आपको लगता है कि आप नेगेटिव भेज रहे हो, लेकिन बेसिकली आप नेगेटिव हो रहे हो, और आपकी सारी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उसको दे दे रहे हो। और जब आप उसको दे रहे हो तो उसका स्पीड एकदम 4 गुना 5 गुना, क्योंकि बहुत लोग जल रहे हैं ना उससे, तो सब लोगों की एनर्जी उसके पास चली जाती है, और वो सुपर तेज हो जाता है, और उसे कोई रोक नहीं सकता। सो माय डियर फ्रेंड्स, एनवी इज इग्नोरेंस। अगर कोई अच्छा कर रहा है, अच्छा कमा रहा है, अच्छे लेवल में है, अच्छा रुतबा है, अच्छा इज्जत है, अच्छी इज्जत है उसकी, तो प्लीज उसे रिस्पेक्ट करें, उसे प्रेज करें, उसे अच्छा बोले। क्योंकि ये जो पॉजिटिव इमोशन शेयर होगा ना आपके और उसके बीच में, चाहे आप जाके बोले, दूर से बोले, क्योंकि एनर्जी के लिए स्पेस कोई बात नहीं होती, एनर्जी तो कहीं से भी चले जाती है। वही मैं बोल रहा था दोस्तों कि
कभी भी किसी से दुश्मनी या जलन ये मत रखिएगा, खासकर किसी के उन्नति से, किसी के अकम्पलिशमेंट से, किसी के आगे बढ़ने से कभी जलिएगा मत, क्योंकि अगर आप जलिएगा तो आप खुद जल जाएंगे। तो ये है आज का पहला लर्निंग, एनवी इज इग्नोरेंस। सो हाय अर्पिता, हाय नवीन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, सब कुछ ठीक चल रहा है। सो आते रहिए और प्लीज़ टाइम से आइए ताकि हम और ज़्यादा गपशप कर सकें। सो चलिए दोस्तों, आज चलते हैं हमारे सेकेंड लर्निंग के ऊपर। सेकेंड लर्निंग है लॉ ऑफ सप्लाई। इसको लेके कुछ बताता हूं मैं आपको। क्या लगता है, मैं हूं इसीलिए आप मुझे देख रहे हो, या आप मुझे देखना चाहते हो इसीलिए मुझे देख रहे हो? सोचो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको क्या लगता है, आप मुझे क्यों देख रहे हो? आप मुझे देखना चाहते हो इसलिए मुझे देख रहे हो, या मैं हूं यहां पे इसलिए आप मुझे देख रहे हो? अगर कमेंट करना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों। आपको बस यही कमेंट करना है कि आपको क्या लगता है कि आप मुझे देख पा रहे हो इसीलिए देख रहे हो, कि आप मुझे देखना चाहते हो इसलिए देख पा रहे हो? काफी कंफ्यूजिंग सा वर्ड है दोस्तों, लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैं यहां पे प्रेजेंट हूं। हर बुधवार में यहां पे रात को 9 बजे आता हूं। तो सप्लाई ऑफ लिवरेज लर्निंग इज ह्यूज, प्रेजेंट है, लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत लोग आना ही नहीं चाहते, बहुत लोग ये शो को देखना नहीं चाहते, बहुत लोग शायद इस शो के इम्पोर्टेंस को अभी तक तो नहीं समझे। कुछ तो रीजन जरूर है, राइट? सो वही मैं बोल रहा हूं दोस्तों कि लिवरेज है, लेकिन फिर भी ये इनविजिबल है उन लोगों के पास, जो लोगों को आज लिवरेज के बारे में नहीं पता, जो लिवरेज से अनजान है। और कुछ ऐसे लोगों के पास भी ये अनजान है जो जानते हुए भी लिवरेज नहीं देखते। सो लिवरेज इज देयर, मतलब पैसों की बरसात हर जगह होती है, हमेशा होती है, बस बात है कि हम वहां पे नहीं पहुंच पाते। सो मैं वही बोल रहा हूं, लॉ ऑफ सप्लाई, आज का जो सेकेंड लर्निंग है, लॉ ऑफ सप्लाई ये बोलती है कि सप्लाई बहुत है, पैसों की सप्लाई है, इज्जत की सप्लाई है, रिस्पेक्ट की सप्लाई है, जो भी चीज आप चाह रहे हो ना, हर वो चीज अवेलेबल है, कोई चीज की कमी नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं जॉब की कमी है, पैसों की कमी है, मेरी मानिए हर चीज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बस हमारी सोच ना छोटी पड़ रही है। हमारी सोच है भाई कुछ तो है नहीं, कुछ तो मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। तो अगर हम मेरे लिए कुछ भी नहीं है मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब है कि जो है वो भी मुझे नहीं दिख रहा है। सो माय डिफरेंट लॉ ऑफ सप्लाई सेज कि बहुत ज्यादा है, जो भी आपको चाहिए बहुत ज्यादा है, शायद आपके सामने है लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो। एक बार देखने के लिए अपने आंख को, अपने दिमाग को खुला रखो और फिर अपने आप को ऐसा बनाओ कि वो दिखे, अपने आप को इतना लर्नड बनाओ, इतना इतना सीखो, इतना काम करो, इतना हार्डवर्क करो कि वो पैसे जो आपसे दूर हैं वो भी आपके सामने आ जाए। और ये आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा है आपके आमने सामने, बस आप एक बार देखो तो सही। लेकिन आप बहुत लोग ऐसे हैं जो हमेशा सोचते हैं कि नहीं, पैसे नहीं है, ग्रोथ नहीं है। तो अगर आप नहीं है करोगे, मतलब अगर हमेशा आप स्कैर्सिटी देखोगे, अभाव को देखोगे, आपको कभी सप्लाई नहीं दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, कभी सप्लाई नहीं दिखेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी भी अगर जिस शो को देख रहा है प्लीज शेयर करना ना भूले, क्योंकि ये शो बहुत इंपॉर्टेंट है असल में उन लोगों के लिए जिन लोग आज पैसों के मामले में दे फील दे आर वेरी अनलकी। क्योंकि एक बार अगर लर्निंग उनके जहन में चला गया ना, तो लाइफ तो उनकी सेट होने वाली है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड लेसन, क्योंकि टाइम भी हो चुका है, तो हमारा थर्ड लेसन आपका इंतजार कर रहा है। थर्ड लेसन है लॉ ऑफ
इंक्रीज। जी हाँ दोस्तों, लॉ ऑफ इंक्रीज। लॉ ऑफ इंक्रीज क्या है? लॉ ऑफ इंक्रीज में कहा जाता है, वट एवर वी प्रेज दैट ग्रोज। मैं फिर से रिपीट करूंगा दोस्तों, वट एवर यू प्रेज दैट ग्रोज। जिस भी चीज को आप बहुत ज्यादा अच्छा बोलोगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करोगे, कोई भी चीज हो, वो बढ़ने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे अगर आप एक पौधे को, एक फूल के पौधे को भी प्रेस करोगे ना कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत उपजाऊ है, ये बहुत बड़ा बनेगा, बहुत अच्छा फूल खिलेगा, एक बार प्रेस तो करो, देखना वो फूल बहुत बढ़िया खिलेगा। अगर आप अपने बच्चों को हमेशा बोलोगे कि तू बहुत अच्छा करेगा, तू बहुत अच्छा करेगा, तू अच्छा करता है, तेरे में वो क्षमता है, तू बहुत अच्छा करेगा, आप देखोगे वो बहुत अच्छा करेगा। जब आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे, बहुत ज़्यादा प्रेस करोगे अपने कोई भी रिलेशनशिप को, वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा तगड़ा निकलेगा। वैसे ही आप अपने फिनेंशियल कंडीशन को जितना प्रेस करोगे, मेरा फिनेंशियल कंडीशन अच्छा है, कभी कम पड़ता है, कभी ज़्यादा पड़ता है, लेकिन हमेशा हमेशा से मैं ऑल इन ऑल एंड ओवरऑल आई एम वेरी सैटिस्फाइड विथ माई फिनेंशियल कंडीशन। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कभी भी अगर कम पड़ जाता है तो पता नहीं, मैं इतना लकी हूँ कि मेरे पास हमेशा एक ना एक सोर्स रहता है जहाँ से मुझे पैसे मिल जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि हर वो चीज़ जो मेरे से रिलेटेड है वो काफ़ी बढ़ रही है और मैं इसके लिए अपने आप को काफ़ी ज़्यादा लकी मानता हूँ। तो इस ऐसे मैं अपने आप को प्रेज कर रहा हूँ, मैं अपने आप को प्रेज कर रहा हूँ, तो जितना मैं कोई भी चीज़ को प्रेज करूँगा वो चीज़ बढ़ेगा। सो ये आज का थर्ड लेसन था, लॉ ऑफ इंक्रीज, जो कहता है कि वट एवर यू प्रेज दैट ग्रोज। सो आज हमने सीखा तीन नए ऐसी लर्निंग जो आपके लाइफ में तूफान मचा देगा। जी हाँ दोस्तों, पॉजिटिव वाला तूफान। आप देखोगे आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगी एंड आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत 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 अच्छी हो जाएगी अगर आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे। तो एक बार रिपीट करूंगा आज के वो तीन लर्निंग। पहला था हमारा, एनवी इज इग्नोरेंस। कभी किसी के रिचनेस से, सक्सेस से जलिएगा नहीं, एंग्री मत होइएगा, कभी कंपटीशन मत कीजिएगा, वो अपने जगह है, आप अपने जगह हो, बस खुश रहिएगा, हो सके तो उसे और अच्छा बोलिएगा, इससे वो भी आगे बढ़ेगा और आप भी आगे बढ़ोगे। जलन डेंजरस है, जल जाओगे आप। दूसरा था लॉ ऑफ सप्लाई, जो कहती है कि बहुत ज़्यादा सप्लाई है, बस आगे बढ़ो, बस अपना काम करते रहो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कर्म। द थिंग इज दैट, सॉरी वो लाइन लास्ट में मैं थोड़ा सा ये कर गया, लेकिन द थिंग इज दैट भगवद गीता में भी कहा है कि अपना कर्म किए जा, अपना कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, फल की चिंता करोगे तो कर्म से आप हाथ धो बैठोगे। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। सो बहुत सप्लाई है, बस अपने कर्म पे ध्यान दो, सप्लाई होने लगेगा। और जो हमारा थर्ड लेसन था, लॉ ऑफ इंक्रीज। लॉ ऑफ इंक्रीज का मतलब है कि हर वो चीज बढ़ती है जिसको आप प्रेज करते हो, बस एक बार प्रेज करो, बस बस उसे अच्छा बोलो, वो बहुत 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 बढ़ने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। टाइम ऑल्सो सेज कि वी नीड टू लीव नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस शो एंड प्लीज इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यस, आप शेयर करोगे तभी तो केयर करोगे। सो माय डियर फ्रेंड, लिवरेज 2.1 में आज इतना ही और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फिर हम लोग मिलेंगे मंथ टू में, जाएंगे मंथ टू डे वन अगले बुधवार, कहीं मजा आएगा। और हमारा ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की ट्रेनिंग भी अगले महीने से स्टार्ट हो रही है। सो ऑल द बेस्ट जिन्होंने भी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लिए एनरोल किया है, कहीं मत जाइएगा, एकदम आप सबको पता है कि आपको हर बुधवार यहाँ पे 9 o'clock रात को आना है। सो थैंक यू वेरी वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। टिल देन, गुड नाइट।